नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काशी रसोई पे। और आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त रेसिपी ले आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं राजमा, और इसको हम कुकर में ही बनाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और बनाना इसे बहुत आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने राजमा को रात में भिगो दिया था, तो करीब 2 कप राजमा मैंने लिया था और उसको मैंने अच्छे से यहाँ सोक कर दिया था, और सुबह तक कुछ इस तरीके से वो फूल जाते हैं। यहाँ पे मैंने करीब 2-3 बड़े प्याज काट लिए थे और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने यहाँ काटी है। अब यहाँ पे एक कुकर लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही राजमा का बेस्ट फ्लेवर आता है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी सरसों का तेल यूज़ करें। अब इसमें मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे तेजपत्ता, काली मिर्च एंड लौंग, इलायची, जो भी आपके पास अवेलेबल हो थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच हींग का भी इसमें ऐड करा है। इसी के साथ साथ मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा भी ऐड कर दूंगी, और इन सबको एक बार हम यहाँ पे क्रैकल होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काटी हुई है, और साथ ही में बारीक कटी हुई प्याज। तो मैं इसमें बहुत ही बेसिक रेसिपी बना रही हूँ, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण बना नहीं पाते रेसिपी, तो मैं उन सब चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है और जो आप ईजिली घर में भी मिल जाएगी और आप ईजिली बना भी सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ प्याज डाल दिए हैं, और इसको अब हम थोड़ी देर अच्छे से यहाँ भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, पर हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, वो भी कुछ इस तरह। जब आप देखेंगे कि तेल अलग हो रहा है और प्याज उसमें अलग ही फ्राई हो रहे हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ मसाले। तो मसाले हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है राजमा की रेसिपी में, और बेसिक मसाले हैं जो हम यहाँ पे घर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो नमक स्वाद अनुसार आप डालिए, आपको ये ध्यान रखना है कि बाद में आप राजमा की ग्रेवी बनाएंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको इसमें नमक डालना है। साथ ही में हमने इसमें डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर, तो ये मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड करे हैं। उसी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच गरम मसाला। तो राजमा में थोड़े से मसाले एक्स्ट्रा डालते हैं, बट उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही में यहाँ पे 1 चम्मच हमने यहाँ हल्दी ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है देगी मिर्च पाउडर का, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और टेक्सचर मिलेगा। तो हमने यहाँ देगी मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है, और इसी के साथ साथ हमारे राजमा में और जान भरने के लिए हम इसमें डालेंगे मीट मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आपके पास राजमा मसाला भी मार्केट में मिल जाता है, अगर वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या सब्जी मसाला हो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ मीट मसाला यूज़ किया है अच्छे फ्लेवर के लिए। अब बस हमें अपने मसाले को यहाँ पे अच्छे से भुनना है, जब तक हमारे मसाले का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए हम इसको प्याज के साथ अच्छे से भुनेंगे, और जब तक इसका आप थोड़ी देर में देखेंगे कि कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ी देर यहाँ कुक करते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा मसाला आपका रेडी हो जाएगा। एंड अब देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, प्याज इसमें एकदम मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने घर में ही जिंजर गार्लिक को अच्छे से कूट लिया था, और मैंने यहाँ पे थोड़ा उसे दरदरा ही रखा है, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मैं मार्केट वाला जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप भी घर में यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट वाला जो आपका मन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर काटे हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और टमाटर इसमें डालने के बाद अब हमें इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे मसाले ऑलरेडी डले हुए हैं। बस हमें इसे तब तक थोड़ा सा कुक करना है जब तक हमारा जो टमाटर है अच्छे से गल ना जाए और हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो मैं इसको अपने स्पैचुला की हेल्प से कुछ इस तरह टमाटर को क्रश करूँगी, बहुत बड़े पीसेस हमें नहीं रखने हैं, तब तक कुक करना है जब तक मसाले से हमारा तेल ना निकले। अब यहाँ पे मैंने कुछ आलू भी काटे हुए थे, लंबे लंबे मैंने इसके स्लाइसेस कर रखे हैं, तो आप आलू चाहें तो डाल सकते हैं वरना अवॉइड कर सकते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस रेसिपी में कैसा चाहते हैं। तो आलू डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैंने आलू इसमें ऐड करा है। अब आप देख सकते हैं मसाला भी तेल साइड से कितना रिलीज़ कर रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना सोक्ड राजमा जो हमने रात भर यहाँ पर भिगो के रखा है, और ये हम सारा राजमा इसमें ऐड कर देंगे। और राजमा डालने के बाद एक बार मसाले के साथ इसे हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बस थोड़ा सा काम और रह गया है, इसमें आप पानी डालिए, तो राजमा के लेवल से थोड़ा और ऊपर तक आपको डालना है, करीब 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा डालना है राजमा के ऊपर। और बस इसको आपको यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 सीटी आने तक आपको अच्छे से यहाँ पे कुक होने देना है।
जैसे ही राजमा कुक हो जाएगा, हमने यहाँ कुकर का ढक्कन हटाया और अब आप देखिए राजमे का कलर कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। ऊपर आपका हल्का हल्का ऑयल रिलीज है और ये देखिए परफेक्ट राजमा। एक बार आप इसे चेक कर लीजिए कि राजमा अच्छे से कुक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर आपको लगता है कि राजमा एकदम अच्छे से कुक हो गया है, इसमें और सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म यहाँ सर्व करेंगे। बट उससे पहले लास्ट स्टेप बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम इसमें डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, फ्रेश फ्लेवर आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अब मैंने इसको यहाँ मिक्स कर दिया है और बस अब मैं इसको एक गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और इसको आप गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, थोड़े से सैलेड के साथ। आई होप ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।